enter Bollywood. Want to catch all the excitement of Bollywood? Just log on to zoomtv.in. कौन है बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार? किसे मानते हैं आप बॉलीवुड की पीआर मशीन? किस मेल एक्टर की फैन फॉलोइंग इंडियन ऑडियंस में है सबसे ज्यादा क्रेजीएस्ट? इन सारे सवालों के जवाब दिए हैं टैम के पीआर इवैल्यूएशन सर्वे ने, जिसमें चार मेट्रो सिटी ऑडियंस की वोटिंग के मुताबिक रणबीर कपूर ने पीछे छोड़ दिया है किंग खान को भी। Well, इस प्रेम की नैया तो चल पड़ी है स्पीड बोट की तरह। रणबीर कपूर बन गए हैं बॉलीवुड के मोस्ट पॉपुलर एक्टर, और ये हम बस इस भीड़ को देखकर नहीं कह रहे हैं। इनफैक्ट ये रेटिंग तो आई है टीआरपी पर नजर रखने वाली कंपनी टीएएम के रीसेंट पीआर इवैल्यूएशन सर्वे में, जिसके मुताबिक जून से लेकर सितंबर 2009 तक अपनी फिल्म वेकअप सिट के लिए रणबीर कपूर ने टीवी पर बटोरी है सबसे ज्यादा पब्लिसिटी। और अब अपनी अगली फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी को लेकर ऑडियंस में कितने पॉपुलर हो चुके हैं रणबीर, इसका अंदाजा तो उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार इस भीड़ से लगाया ही जा सकता है। वैसे पॉपुलैरिटी के इस हाईएस्ट पोजीशन को हासिल करने के साथ ही रणबीर ने पछाड़ दिया है बॉलीवुड के बिगेस्ट स्टार्स को भी, जिसमें शामिल हैं आमिर खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, संजय दत्त, अक्षय कुमार, सैफ अली खान और शाहिद कपूर। ये सभी एक्टर्स फिल्म पब्लिसिटी और पब्लिक अपीयरेंसेस के मामले में रह गए हैं रणबीर से पीछे। बट व्हाट इज मोर सरप्राइजिंग इज किंग खान्स पोजीशन इन दिस सर्वे। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान, जिन्हें पीआर मशीन के नाम से भी पुकारा जाता है, उन्हें इस सर्वे में मिली है लास्ट पोजीशन। ये सर्वे हुआ है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और बैंगलोर जैसे फोर मेजर सिटीज में, एंड ऑन एन एवरेज इन फोर सिटीज के 40 पॉइंट्स में से किंग खान को मिले हैं सिर्फ 4 पॉइंट्स, जबकि रणबीर कपूर को आउट ऑफ 40 ऑन एन एवरेज मिले हैं 39 पॉइंट्स। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रणबीर ने जून से सितंबर के बीच अपनी यूथ बेस्ड फिल्म वेकअप सिट की पब्लिसिटी में नहीं छोड़े हैं कोई भी लूपहोल्स, फिर चाहे अपने फैंस के बीच जाकर टी शर्ट्स फेंकना हो या फिर रेडियो स्टेशन पर जाकर फिल्म का प्रमोशन करना। रणबीर ने अपनी फिल्म पब्लिसिटी के लिए अपनाया हर हथकंडा, और इसी का रिजल्ट है कि आज रणबीर की फैन फॉलोइंग है सबसे ज्यादा। रणबीर के इस अचीवमेंट पर वेकअप सिट के प्रोड्यूसर करण जौहर ने भी किया है रणबीर को कंग्रेचुलेट थ्रू अ न्यूज़पेपर आर्टिकल। लेकिन जब करण से पूछा गया अबाउट हिज बेस्ट फ्रेंड शाहरुख खान वेटिंग एट द लास्ट पोजीशन इन द सर्वे, करण ने बड़े ही डिप्लोमेटिकली ये कह दिया, शाहरुख इज द फेस ऑफ एंटरटेनमेंट वर्ल्ड एंड इज अबाउट एनी सच रेटिंग। वैसे देखा जाए तो ये सर्वे भले ही ऑडियंस रेटिंग्स पर बेस्ड हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन है फिल्म रिलीजेस से, क्योंकि एक्टर्स पब्लिक अपीयरेंस तभी करते हैं जब उनकी फिल्म रिलीज होने वाली होती है। और रणबीर के लिए इस टाइम पर है बैक टू बैक रिलीजेस लाइक वेकअप सिट, अजब प्रेम की गजब कहानी एंड कमिंग सून इज हिज रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर, व्हिच इज व्हाई ही इज ऑल आउट टू प्रमोट हिज फिल्म्स इन द पब्लिक, एंड दिस इज डेफिनेटली एन एडवांटेज फॉर रणबीर टू अर्न पॉपुलैरिटी। और इस बात से रणबीर भी रखते हैं इत्तेफाक। आई डोंट थिंक आई हैव बीटन एनीबॉडी इन पॉपुलैरिटी, इट्स जस्ट बिकॉज़ ऑफ द मल्टीप्लेक्स स्ट्राइक, थ्री फिल्म्स ऑफ माइन वर कमिंग बैक टू बैक, सो बिकॉज ऑफ दैट मैं शाहरुख खान साहब बन नहीं सकता, वो बहुत ही बहुत ही बड़े टैलेंट है, बहुत ही बड़े शख्स है हमारे इंडस्ट्री में। जबकि शाहरुख खान के लिए ये साल रहा है नॉट सो हैपनिंग, जिसे खुद शाहरुख भी करते हैं एक्सेप्ट। दिस ईयर in a strange sense has been bad on the physical work front. As an actor, I haven't done three films that I do, I've just done one Khan. Also, I haven't earned as much as I do every year. खैर जहां तक बाकी एक्टर्स की पॉपुलैरिटी रेटिंग्स की बात है, तो आपको बता दें कि इस लिस्ट में ऑल द बेस्ट और ब्लू जैसी फिल्मों के साथ संजय दत्त है सेकंड पोजीशन पर, वेयर इज ऋतिक विद द सोल एंडोर्समेंट हैज अर्न द थर्ड पोजीशन, आमिर खान भी अपने पब्लिक अपीयरेंसेस के चलते फोर्थ पोजीशन पर है, जबकि बिग बॉस के साथ टीवी पर कमबैक करने वाले बिग बी है ऑन द फिफ्थ पोजीशन ऑफ दिस पॉपुलैरिटी सर्वे। सिक्स्थ पोजीशन पर है सलमान खान विद वांटेड एंड मैं और मिसेस खन्ना, सेवंथ पोजीशन पाई है शाहिद कपूर ने, बीटिंग सैफ हुज़ ऑन एट पोजीशन, एंड फाइनली ऑन नाइन्थ पोजीशन है शाहरुख खान बड़ी अक्षय कुमार। But for Ranveer, these ratings really brings great hopes for his upcoming film Ajab Prem Ki Gazab Kahani, releasing this week. Gayatri Kerkar ke saath Suruchi Mahatpurkar, Zoom, Mumbai. Prem ki naiya hai Ram ke bharose apne